प्राचीन मंदिर बाबा बालक रूपी में श्रद्धालुओं को जल, शौचालय, स्नानगार की सुविधा मिलेगी। वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं के रात्रि ठहराव के लिए सराय भवन और कमरों का निर्माण किया जा चुका है। ये बात बाबा बालक रूपी मंदिर कमेटी की सालाना बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंदिर कमेटी अध्यक्ष एवं SDM जोगिंदर नगर अमित मेहरा ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में मंदिर के जीर्णोद्वार पर भी चर्चा कर मंदिर को आकर्षक बनाने के साथ साथ अधिक सुविधाओं को सृजित करने पर भी लोगों के सुझाव मांगे गए। जो ये बालक रूपी की हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, इसकी बैठक हुई और इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि काफ़ी समय से ये लंबित है। इनका जो ये कम्युनिटी हॉल बनना है इसकी छत पे, जिसमें कुछ पैसे की कमी थी, तो सभी जो इसके सदस्य हैं इन्होंने निर्णय लिया कि जो भी इसकी भरपाई, जो इसमें कमी आ रही है, उसको हम जो मंदिर के फंड्स हैं उससे पूर्ण करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो रूफिंग होनी है, जिस रास्ते से श्रद्धालु आमतौर पे चलते हैं, उसके लिए भी धन का प्रावधान किया गया। अनेक विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें कुछ फर्नीचर की खरीद भी है। इस बिल्डिंग जो हमारे पीछे है, इस बिल्डिंग की डिसमेंटलिंग की बात हुई, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है और जर्जर हालत में है। मेले जब होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, यदि ये बिल्डिंग हट जाती है तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी लोगों को। तो उस विषय पे चर्चा हुई और सभी की सहमति से इन सभी विषयों पे हमने निर्णय लिए। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे निर्णय लिए गए और एक विषय जिस पे कि सभी ने अपनी राय जाहिर की, वो ये थी कि इस कमेटी की बैठक समय समय पे होती रहनी चाहिए, जो कि इस बार हम काफ़ी अंतराल के बाद कर रहे थे। तो आगे भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि इसकी बैठक निश्चित समय अवधि पे हम करवा पाएं। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।